हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, अंडर रूट स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें थोड़ा दिक्कत फील करते हैं। देखो, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसानी सॉल्व कर लोगे। क्यों सॉल्व कर लोगे? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बुक्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब अंडर रूट और लीनियर पार्ट दोनों डिनोमिनेटर में हो, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो और बाहर लीनियर हो, तो इसके लिए रूल भी बना दिया गया है। देखो यार, तुम लोग को याद होगा अगर, तो इस तरह से पी अंडर रूट क्यू, इस तरह का कॉन्सेप्ट है ना कि पी और क्यू दोनों लीनियर है तो क्या करते हैं, पी क्वाड्रेटिक है क्यू क्वाड्रेटिक है तब क्या करते हैं, पी क्वाड्रेटिक है क्यू लीनियर है तब क्या करते हैं, और पी लीनियर है क्यू क्वाड्रेटिक है तब क्या करते हैं। तो इसके लिए सारे रूल्स बता दिए गए हैं, हर किताब में मिल जाता है, तो इसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर इसमें से एक टर्म अंडर रूट स्क्वायर प्लस 4 ऊपर चला जाए तो ये थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है। ये इसलिए टेक्निकल हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम हमें करना पड़ेगा। और ऐसे ही जब जो मैंने भी यहाँ पर जो लिखा डी एक्स अपॉन पी अंडर रूट क्यू, उसमें नीचे जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे लीनियर लीनियर क्वाड्रेटिक 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 लीनियर लीनियर क्वाड्रेटिक, उसमें से कोई भी टर्म ऊपर नीचे कर दो तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और वही मैं तुम लोग को इस क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ, और जो कॉन्सेप्ट मैं इस क्वेश्चन में बताऊँगा वही कॉन्सेप्ट जो है आप लोग अगले सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, जो आप लोग सॉल्व करते हो बुक्स में, तो वहाँ पे जहाँ पे भी मिले तो वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर जैसे मान लो ये क्वेश्चन, तो इसके लिए भाई बताया गया है सिंपल सा रूल, x प्लस 1 को 1 अपॉन t मान लो, कभी भी क्वाड्रेटिक अंडर रूट के अंदर हो और लीनियर बाहर हो तो बाहर वाला जो लीनियर उसको 1 अपॉन t मान लेना चाहिए। तो जाहिर सी बात है dx बराबर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर dt बन जाएगा, फिर इसमें रख देते हैं तो माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर dt और नीचे 1 अपॉन t अंडर रूट 1 अपॉन t और माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और इसके बाद बड़े आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हो। ये कितना आता है, ये आता है माइनस डी टी अपॉन टी, देखो टी स्क्वायर इधर जाएगा ना टी, और अंडर रूट के अंदर कितना बनेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस 2 बाई टी प्लस 4, यही बनेगा। और इसके बाद क्या बन जाता है, मैं कर दे रहा हूँ एक बार ताकि तुम लोग को पता हो जाए कि हाँ ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। और मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो जहां पर ये वाला एक्सप्रेशन आएगा वहां पे मैं रोक दूंगा, इसके समझ लेना कि ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो माइनस डी टी अपॉन टी अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, ये आ रहा है 5 और माइनस 2 बाई टी और प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माइनस डी टी और अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा 5 टी स्क्वायर, देखो यहां पर माइनस 2t और प्लस कितना जाएगा 1। अब तुम इसमें से 5 कॉमन ले लो तो 1 अपॉन अंडर रूट 5 और ये बन जाता है dt अपॉन अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर माइनस 2 बाई 5t, ये 5 कॉमन लिया ना तो जो है 2 बाई 5 और प्लस 1 अपॉन 5। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल के आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो जब नीचे लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक और दोनों में से किसी एक पर अंडर रूट लगा होता है तो जो रूल्स बनाए गए हैं वो एकदम परफेक्ट रूल हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पर आज का समय ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा टेक्निकलिटीज और डाल दी जाती हैं, और जैसे इस क्वेश्चन में डाल दी गई हैं। अब तुम सोचो कि यहाँ पर x प्लस 1 को 1 अपॉन टी मान करके सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा दिक्कत में फंस सकते हो, फंस जाओगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं अब आप लोग उसको ध्यान से समझिए। देखो, इसमें अगर x बराबर x प्लस 1 को 1 अपॉन टी मानते हो तो एक t यहां चला जाएगा और dx बराबर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाता है, तो यहां पे t नीचे t स्क्वायर तो नीचे फिर भी t बना रहता है, और यहां पर और अजीबोगरीब चीजें हो गई हैं तो बड़ा अजीब सा दिक्कत फंस जाता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तुम लोग को जब ये दिखाई दिया करे कि अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है और बाहर लीनियर है, ठीक है, रूल जो बनाया गया है वो तो यही बनाया गया ना कि अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और बाहर लीनियर पर डिनोमिनेटर में है, तब तो x प्लस 1 या लीनियर पार्ट को 1 अपॉन टी मान के सॉल्व कर लेना चाहिए।
तो जब आप लोग किसी क्वेश्चन में देखो, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, अंडरडॉट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक हो और बाहर लीनियर हो, तो उसे तुम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट किया जाए, अगर मैं ऊपर नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर से गुणा कर दूंगा, डायरेक्टली सॉल्व करने कोशिश मत करना कि एक्स प्लस वन को कुछ मान लिया, एक्स बराबर कुछ मान लिया, ऐसा डायरेक्टली मत करना, ठीक है। तो मैं जैसा बता रहा हूं वैसे, पहले अंडर रूट वाले टर्म को नीचे ले आना है। तो जब अंडर रूट ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे ले आना है, तो क्या मतलब, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो अच्छा मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ। ऊपर अंडर रूट स्क्वायर प्लस फोर और नीचे भी अंडर रूट स्क्वायर प्लस फोर, ऊपर नीचे हमने अंडर रूट स्क्वायर प्लस फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस वन और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। ये थोड़ा बढ़िया हो गया है इसमें, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में आ गया है। पर देखो ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, पर ऊपर तो क्वाड्रेटिक है। अब इसको सॉल्व, अरे ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आराम सॉल्व हो जाने वाली चीज़ है, बस अपना कॉमन सेंस लगाना, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस फाइव कर देंगे। ध्यान दो ये क्यों किया, तुमको समझ में आ रहा है? देखो समझ में तो आ ही जाएगा, इतना तो तुम्हारे पास बुद्धि है कि तुम समझ लोगे। इसको मैंने ऐसा क्यों किया होगा, जरा सोचो। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं अब दो भागों में से तोड़ने वाला हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे थ्री होता तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन लिखता, यहाँ पे मान लीजिए फोर होता तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन और प्लस समथिंग कुछ और लिखता। यहाँ पे अगर, यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर मान लो फाइव होता, ठीक है, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव लिखता, ठीक है। देखो ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं जब इसको दो भागों में तोड़ूँ तो ये आसानी से सॉल्व हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, और बगल में फाइव और डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और जो कि ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। अभी मैंने करके दिखाया था थोड़ी देर पहले, इसको अलग तरीके से सॉल्व कर लोगे, एक्स प्लस वन को वन अपॉन टी मान के जैसा नियम बताया गया है। अब आता है इसके बारे, ठीक है, और ये समझ में आ गया ना कि मैंने माइनस वन क्यों सेट किया था। माइनस वन प्लस वन करोगे तो फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा इधर, तो ओवरऑल वही बना रहेगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल अब इसके बाद इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर बन गया, ठीक है, और बगल में फाइव और टी एक्स अपॉन कितना बन जाएगा बोलो, एक्स प्लस वन और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर यहाँ पर आ चुका है, और प्लस, और ये जो है एक्स माइनस वन न्यूमरेटर में है और उस साइड में, वो तो है ही है तुम्हारा, तुम इसको तो सॉल्व कर ही लोगे। अब ये देखो जो एक्स स्क्वायर प्लस फोर दिख रहा है बच्चों, इसको इससे कोरिलेट करना है थोड़ा और ज़्यादा। तो अब देखो इसको मैं दो भागों में ब्रेक कर सकता हूँ इसको भी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर और माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, और प्लस फाइव डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और बगल में कितना जाएगा बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है। देखो ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा, ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा और ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे वन बाई टू, टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों किया जानते हो, इतना तो यार जानते हो तुम लोग, इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन को जब हमने कई भागों में ब्रेक किया, तो एक तो ओरिजिनल भाग ये है और उसके अलावा जो दोनों भाग हैं वो दोनों बड़े आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे, समझ में आ रही बात। तो जब कभी ऐसा हो कि लीनियर और क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन बने, एक पर अंडर रूट लगा हुआ हो, तो ये जानना कि वो वही चार जो आपने हर किताब में पढ़ रखे हैं, जो डी एक्स अपॉन पी अंडर रूट क्यू कॉन्सेप्ट है, सम स्पेशल इंटीग्रल का हेडिंग होता है उसमें, तो उस तरीके से आप लोग सॉल्व अगर कर लेते हो तो जो भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें एक पर अंडर रूट लगा हुआ है और एक पर जो अंडर रूट नहीं लगा हुआ है और लीनियर और क्वाड्रेटिक से ही बना हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी अगर उसे तुम कई भागों में तोड़ने की क्षमता रखते हो। अंडर रूट अगर ऊपर है तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके पहले ठीक कर लो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कोई कॉमन सेंस से कोई और भी तरीका कुछ और समझ में आ जाता है
तो और अच्छी बात है, ठीक है। कुल मिलाकर ये सब कॉमन सेंस का खेल है। अब देखो, अब जैसे ये था ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये कर लिया, अब एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इससे कैसे डील होगा? तो ठीक है, हमने इसको देखा और एक्स स्क्वायर को देखा, एक्स स्क्वायर माइनस वन चाहिए तो प्लस फाइव ही कर दिया। अब इसको जब हम दो भागों में ब्रेक करेंगे, एक तो सॉल्व हो जाएगा जो बचा हुआ है ऊपर लीनियर अपॉन अंडर के अंदर क्वाड्रेटिक, और ये वाला पार्ट तुम लोग को ये सब तो पढ़े हो ना, ए एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट करके इस तरह से जो दिया, यहाँ पे एग्जैक्टली मैं वो लिख देता हूँ जो लिखा रहता है बुक्स में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा लिखा रहता है, और ऊपर लिखा रहता है सी एक्स प्लस डी। इस फॉर्म में जब क्वेश्चन होता है तो सॉल्व कैसे करते हैं, इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में सेट करते हैं और क्या क्या सब सब तो लिखा हुआ है। तो आप ये समझो कि जो क्वेश्चन आता है वो सबको मिला करके कुछ रहता है और उसमें सबका यूज करना होता है। तो अगर सब अच्छे से तुम पढ़े रहोगे, कॉमन सेंस तुम अपना अप्लाई करोगे, और कॉमन सेंस अप्लाई करने के लिए वहाँ पर एकदम कूल रहना, वहाँ डिस्टर्ब मत होना एग्जाम हॉल में कि आप जो है पता चला कि डिस्टर्ब हो गए, बैठे हुए हो, समझी में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन देखा डर गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग कूल रहिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। जब आपका अपने ऊपर भरोसा हटता है तभी आप लोग घबराते हो, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा बढ़ा रहे, अपने ऊपर भरोसा रहे, अच्छा खासा भरोसा रहे, उसके लिए आपको रिवीजन करना बड़ा ज़रूरी होता है। घर पर जितनी मेहनत करोगे अपने ऊपर उतना भरोसा रहेगा तुम्हारा, और एग्ज़ाम में उतना अच्छा करके चले आओगे, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से आगे डील करते हैं। अब इसके बाद तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग खुद ही कर लोगे, 1/2 इसको I1 कर लेना, माइनस इसको जो है I2 कर लेना, I2 अलग सॉल्व कर लेना, और प्लस 5 I3 कर लेना, I1 अलग सॉल्व कर लीजिए, I2 अलग सॉल्व कर लीजिए, I3 अलग सॉल्व कर लीजिए, रख दीजिए, काम खत्म, ठीक है। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अच्छा चलो, इसमें मैं एक और ऑपरेशन करता हूँ। आप लोग अब सोच के तुरंत बताइए कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन में एक्स प्लस वन और देखो इसी में अगर मैं एक्स प्लस वन और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस फोर कर देता तो अब सॉल्व कैसे करोगे, जरा बताओ, बोलो। अब इसमें देखो लीनियर और क्वाड्रेटिक को मिलाकर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, ऊपर नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, पर तुम एक काम और कर लो ना, इसमें एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर कर लो, और प्लस प्लस क्या करोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर। बोलो ये हो गया कि नहीं हो गया? अरे तुम क्यों ऐसा फंसे हुए थे कि तो ये लीनियर है, ये अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो एक्स प्लस वन को वन अपॉन टी मानना जरूरी है? अरे कुछ जरूरी नहीं है, मैंने क्या बोला, कॉमन सेंस बहुत सबसे जरूरी कॉमन सेंस है। आपके पास सब कुछ हो मगर एग्जाम हॉल में आपको हमेशा अपना कॉमन सेंस का यूज करना है, ध्यान रहे। आप लड़ाई लड़ने गए या आर्मी वाले जो है अगर बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं, बॉर्डर पर वॉर चल रहा है, तो वहाँ पर अपना कॉमन सेंस लगाते हैं कि किस तरह से हम दुश्मन पर हावी हो जाएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एज अ दुश्मन की तरह अगर तुम्हारे सामने है तो तुम इस पर हावी होना चाहते हो और इससे अपना कुछ गेन करना चाहते हो तो अपना कॉमन सेंस लगाओ। तुम अगर ऐसे सोचोगे एक्स प्लस वन को वन अपॉन टी से ही रख करके सॉल्व करेंगे या नियमानुसार ही चलेंगे हर समय, तो फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोग अपने अपने सारे काम पूरे करके रखिए, सारे फार्मूले, सारे तरीके, सारे ट्रिक्स वगैरह सब रेडी रखिए, पर एग्जाम हॉल में आप लोगों को जो समझ में आए, अपना जो तुम्हारा कॉमन सेंस जो कहे वही करना, जो रास्ता आपको सबसे नज़दीक लगे कि हाँ इससे हम आंसर तक पहुंच जाएंगे वही तरीका अप्लाई करना जो तुम्हारा कॉमन सेंस कह दे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे है, अब देखो दो भागों में तोड़ दिया, अब यहाँ पर क्या करोगे, 1/2 कर दोगे, 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दोगे, ठीक है। और उधर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसका फार्मूला जानते हुए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक फार्मूला होता है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला लगा देना, इसका डेरिवेटिव ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को टी स्क्वायर मान लेना, सॉल्व हो जाएगा, आसानी से कर लोगे। तो कुल मिला कहने का मतलब कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई टर्म हो, अंडर रूट के बाहर टर्म हो, लीनियर क्वाड्रेटिक से ही क्वेश्चन बना हुआ हो तो क्वेश्चन कभी टफ हो ही नहीं सकता, कभी टफ नहीं होगा। बस अपना कॉमन सेंस लगाना, कई भागों में से तोड़ देना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।